मां सरस्वती को चरण स्पर्श करता हूं, समृद्धशाली मंच को चरण स्पर्श करता हूं, आयोजक मंडल को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं, जिनके रहमो करम से हम आप सबके दर्शन कर पा रहे हैं। और सामने हमारे बुजुर्ग बड़े भाई छोटे भाई बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। महर्षि मयन और महर्षि चमन ऋषि की नगरी मैनपुरी से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। साहित्यिक धरा इगलास की परम पूजनीय माटी को चरण स्पर्श करता हूं। स्वागत है भैया। चार पंक्तियां अपने तेवर की देता हूं। क्या मैनपुरी का तेवर रहा होगा साहब, जहां बुंदेलखंड से क्रांति रानी लक्ष्मीबाई के रूप में शुरू होती है, जब वो क्रांति धीरे धीरे उत्तर प्रदेश मैनपुरी की तरफ बढ़ती है, तो मैनपुरी से एक हाथ खड़ा होता है साहब, जो महारानी लक्ष्मीबाई के कंधे से कंधा लगाकर आजादी का पहला युद्ध लड़ता है। और अंग्रेजी हुकूमत को उनका इतना खौफ होता है कि उनको प्रयागराज की जेल में नजर कैद कर दिया जाता है। मुझे गर्व है, मुझे फक्र है कि मैंने आदरणीय राजा साहब तेज सिंह चौहान साहब के परिवार में जन्म लिया। मैं आपको प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां अपने तेवर की निवेदन करता हूं। वतन की आन जिंदा है, पहली बार आपके बीच में आया हूं, इतना प्यार और दुलार लेकर जाना चाहता हूं कि यहां से जाने के बाद भी कई दिनों तक ये गूंज मेरे कानों में रहे कि कविता सुनी जाती है तो इगलास की धरती पर सुनी जाती है, काका हाथ रस्सी की धरती पर। मैं निवेदन करता हूं चाचा आपको, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। मैनपुरी का तेवर पढ़ता हूं आपके सामने। वतन की आन जिंदा है, क्या तेवर रहा होगा राजा साहब का, क्या तेवर रहा होगा मैनपुरी का, क्या तेवर है आपके उस छोटे भाई का। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। हमारे हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले, हमारे मुल्क के दुश्मन हमारी बात को सुन ले, अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। अभी तक चौहान साहब बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया चौहान साहब। अभी तक खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। कभी कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, कभी कभी लेखनी नहीं लिखेगी, भैया इसका बेस खत्म कर दो बिल्कुल, कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। बहुत कभी दोबारा पढ़ने का आदेश हुआ है साहब, और कीमत उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी पहली बार मिली थी, माल दोबारा खरीद रहे हैं। स्वागत है चौहान साहब, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारिता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। गीत सदा ही गाऊंगा मैं, गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर शहादत के और भारत की माटी के। कलम हमारी जब लिखेगी बस सैलाब उठाएगी, कविता जब जब बोलेगी तो इंकलाब उठाएगी। क्या बात, कविता जब जब बोलेगी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। कविता जब जब बोलेगी तो इंकलाब ले आएगी, हमेशा हमेशा देश की इज्जत बड़ों का मान रखता हूं, हमेशा देश की इज्जत बड़ों का मान रखता हूं, मैं अपनी जान से बढ़कर सदा सम्मान रखता हूं, हमेशा देश की इज्जत बड़ों का मान रखता हूं, मैं अपनी जान से बढ़कर सदा सम्मान रखता हूं, किसी भी पद
प्रतिष्ठा से न धन दौलत से कुछ मतलब, किसी भी पद प्रतिष्ठा से न धन दौलत से कुछ मतलब, कलम का हूं सिपाही मैं कलम की शान रखता हूं, कलम का हूं। क्या बात है, क्या बात है, कलम का हूं। लक्ष्य 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 संधान कर लेंगे तो फिर चुकने नहीं देंगे भैया, लक्ष्य संधान कर लेंगे तो फिर चुकने नहीं देंगे, कदम आगे बढ़ाएंगे तो फिर रुकने नहीं देंगे, भले ही देश रक्षा में हमारे प्राण ही निकले, तिरंगा शान से लहराएगा, झुकने नहीं देंगे, तिरंगा शान से लहराएगा, बहुत बढ़िया, झुकने नहीं देंगे। जय हो, जय हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तिरंगा शान से लहराएगा, झुकने नहीं देंगे। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, मैं निवेदन करता हूं दादा, कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, हमने वीरों की तपती जवानी लिखी। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जुबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी, और आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर। नितिन भैया जी, भैया आपको निवेदन करता हूं ये पंक्ति, स्वागत है, आप श्रृंगार के गीतकार हैं। कुछ तो पढ़कर लिखी, कुछ जबानी लिखी, जिंदगी हमने बस पानी पानी लिखी, और आप तो प्यार लिखते रहे उम्र भर, हमने बस सरहदों की कहानी। हाय जिंदाबाद, हमने बस जिंदाबाद। मच्छू को चौहान, भारत माता की, हिंद की अस्मिता आरती पर चली, हिंद की अस्मिता आरती पर चली, देश सेवा में रत सारथी पर चली, हिंद की अस्मिता आरती पर चली, देश सेवा में रत सारथी पर चली, और आज तक द्रोहियों को न छोड़ा कभी, लेखनी जब चली भारती पर चली, भारती पर चली लेखनी जब चली। हाय जिंदाबाद, हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं, हिंद की अखंडता और एकता की बात आए, देश है प्रथम ये गुमान लिखता हूं मैं, राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं, राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं, राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा जो लिखी जाए, माता पन्ना धाय का बखान लिखता हूं मैं, राम और रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, राम और रहीम वाले देश को प्रणाम करूं, क्रांतिकारियों का बलिदान लिखता हूं मैं, भामाशाह की स्वामी भक्त चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं, भामाशाह की स्वामी भक्त जिंदाबाद, चेतक की पदचाप, राणा जी प्रताप को, राणा जी प्रताप को महान लिखता हूं मैं। भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है, भारती की आरती में शीश जो चढ़ा चुके हैं, भारती के ऐसे हर लाल को प्रणाम है, रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है, रिपुदल वल की प्रबल शमशीर तले छातियां बनी थी ढाल ढाल को प्रणाम है, रक्त की प्रत्येक बूंद से धरा को गूंद गूंद, जिसने सजाए भाल उस भाल को प्रणाम है, जिसने सजाए भाल उस भाल को प्रणाम है, हर हर बम बम स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बम बम हर हर स्वर से बने प्रखर, शत्रुओं के काल महाकाल को प्रणाम है। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। चार पंक्तियां युवा पीढ़ी के श्री चरणों में निवेदन करता हूं, वहां से चार पंक्तियां उठाता हूं। हिंद की अखंडता पे क्रूर दृष्टि डालोगे तो हम नौजवानों की जवानी जाग जाएगी। भारत में होगा महाभारत सा दृश्य, फिर भीम जरा संध की कहानी जाग जाए, भारत में
होगा महाभारत सा दृश्य फिर, भीम जरासंध की कहानी जाग जाएगी, पद्मिनी जैसी रानियों का होगा अपमान, तो हारा रानी झांसी वाली रानी जाग जाएगी, और बंद नहीं होगा यदि दानवों का उत्पात, तो मुंडमाल धारणी भवानी जाग जाएगी। जिंदाबाद मनोज भैया, जिंदाबाद। अरे माहौल बना दिया, वाह। यद दानवों का उत्पात, जिंदाबाद, तो मुंडमाल धारणी भवानी जाग जाएगी। हम संगीनों में पले बड़े, अपने तेवर को मुखर करता हूं, आप अपना घनत्व तालियों का मुखर करना। हम संगीनों में पले बड़े, दुश्मन से खौफ नहीं खाते। हम संगीनों में पले बड़े, दुश्मन से खौफ नहीं खाते। गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं, महाराणा के अनुगामी, जो सरहद की रक्षा करते हम उन वीरों के पथगामी। हम जनगण मन के पोषक हैं, हम कलम के एक सिपाही हैं, हम धर्म शास्त्र की परंपरा के आजीवन अनुयायी हैं। भयभीत नहीं होते रंचक, हम तूफानों से लड़ते हैं, हमसे बर्फीली चट्टाने नदियां पठार सब डरते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमसे बर्फीली चट्टाने, जिंदाबाद चौहान साहब, जिंदाबाद। हमसे बर्फीली चट्टाने नदियां पठार सब डरते हैं। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने, अब परिवर्तन शुरू होता है साहब। मुझे चार पंक्तियां अपने गुरुजी आदरणीय सुरेश चौहान नीरव जी की चार पंक्तियां याद आती हैं। राम और रहीम पूज्यों के लिए होता प्यार, राम और रहीम पूज्यों के लिए होता प्यार, हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों के सीने में। राम और रहीम पूज्यों के लिए होता प्यार, हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों के सीने में। व्रत रख लेता नवरात्र में मुसलमान, हिंदू रख लेता रमजान के महीने में। राम और रहीम पूज्यों के लिए होता प्यार, हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों के सीने में। व्रत रख लेता नवरात्र में मुसलमान, हिंदू रख लेता रमजान के महीने में। यात्रा करने को जाता आमिर अमरनाथ, हज करने को जाता मदन मदीने में। यद कहीं ऐसा होता मेरे हिंद देश में, तो शक्ति और शांति होती, मजा आता जीने में। यद कहीं ऐसा होता मेरे हिंद देश में, शक्ति और शांति होती, आता जीने में। लेकिन लेकिन कन्हैया कुमार और कुछ लोग जब लोकतंत्र के पवित्र मंदिर से और दिल्ली की एक संवेदनशील यूनिवर्सिटी से, दिल्ली की वो यूनिवर्सिटी जो बच्चों को ज्ञान देती है, वहां से भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं, एक नारा लगाया जाए भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, एक नारा लगाया जाए अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, एक नारा लगाया जाए तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तब मनोज चौहान ने कभी चार पंक्तियां कही, चच्चा आपके चरणों में निवेदन करता हूं, बात अगर इगलास की धरती पर सही उतार दी हो तो तालियों का घनत्व बढ़ाना, आकाश पर तालियां देना। मैंने कहा तुम अफजल को निकालते हो साहब, लेकिन मनोज चौहान ने जिस व्यक्ति को निकाला है, वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा। वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा, इन बेटों के बल से मां का मस्तिष्क फिर गर्वित होगा। वीरों की परंपरा का पालन कभी नहीं खंडित होगा, इन बेटों के बल से मां का मस्तिष्क फिर गर्वित होगा, और खौफ सभी अफजल खाएंगे भारत में पैदा होने से, खौफ सभी अफजल खाएंगे भारत में पैदा होने से। अशफाकुल्ला अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के कोने से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अद्भुत है भैया, अद्भुत है, बहुत सुंदर, अद्भुत। खौफ सभी अफजल खाएंगे भारत में पैदा होने से, अशफाकुल्ला अगर प्रकट हुए कहीं हिंद के कोने से। जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि, कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाइए। जिन्हें नहीं, और
ऐसे व्यक्तियों को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां की तुलना देने वाले राजनीति के चंदवे दलाल, जो भूल जाते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि, तुम क्या छुपाओगे अशफाकुल्ला खां के संस्कारों को? क्या छुपाओगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के संस्कारों को? जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि, कहता हूं उनसे ये देश छोड़ जाइए। चंदन अबीर माटी पावन है, नीरजा को नीतिमान देश में अनीत ना चलाइए। चंदन अबीर माटी, राम और रहीम का पूज्य देश, इसे बर्बाद करने पर तुले हैं आप लोग। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई जब आजादी की जंग में शामिल हुए, भूल गए उस दिन को? जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि, कहता हूं उनसे यह देश छोड़ जाइए। चंदन अबीर माटी पावन है, नीरजा को नीतिमान देश में अनीत ना चलाइए। अन्नजा को खाई के मुछ दंड बने बैठे तुम, छुरा भोंकते हो इसे नेक तो लजाइए। इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंग बाण, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह इसी माता, वाह 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 वाह। फेंकते हो व्यंग बाण, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने, माहौल प्रदूषित कर डाला अपने घर के मक्कारों ने। ना वंदे मातरम गाएंगे, बस बाकी परचम फहराएंगे, और तिरंगा अपमानित कर घावों पर नमक लगाएंगे। बेसुने बेसुने हमारी बात, मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। गोरी कासिम चंगेजों को वापिस ना जाने देंगे। अस्तित्व मिटाने दुश्मन का संकल्प हृदय में पालेंगे। जो नजर उठाएगा उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। खंडित होने खंडित करने को अहंकार नरसिंह कलम बन जाएगी। ये अरे मुंडों पर उछल उछल कर वंदे मातरम। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद। क्या है वंदे मातरम? अद्भुत है भैया अद्भुत। क्या है क्या है वंदे मातरम? हमारे अमर शहीदों ने हंसकर हंसते हंसते वासंती चोला ओढ़कर फांसी के फंदों को चूम लिया। रंगून की जेल में रामप्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला खां जी बंद थे। फांसी का हुक्म हुआ साहब, छोटा सा वाक्या याद आता है। अशफाकुल्ला खां रोने लगे। रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कहा, अशफाक तू क्यों रो रहा है? क्या तुझे फांसी से डर लग रहा है? अशफाकुल्ला खां साहब का एक जवाब था कि बिस्मिल मुझे फांसी डर नहीं लग रहा, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि तू मरने के बाद, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है, तू मरने के बाद दोबारा भारत भूमि के काम आ सकता है, लेकिन इस्लाम पुनर्जन्म को मान्यता नहीं देता। मैं एक बार मर जाऊंगा लेकिन मातृभूमि के दोबारा काम नहीं आऊंगा। वाह 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 जिंदाबाद, वाह मनोज भैया वाह। आता ताइयों के लिए रुंडसो प्रचंड बने, किंतु भाई भाइयों का प्यार वंदे मातरम। वाह क्या है वंदे मातरम? आता ताइयों के लिए रुंडसो प्रचंड बने, किंतु भाई भाइयों का प्यार वंदे मातरम। भारती की लाज है तो निज प्राण होम दे जो, क्रांतिकारियों का हथियार वंदे मातरम। भारती की लाज है तो निज प्राण होम दे जो, क्रांतिकारियों का हथियार वंदे मातरम। शौर्य सद्भाव शांति का है यही अग्रदूत, सच में है कितना उदार वंदे मातरम। शेखर भगत अशफाक की जवानियों पे शत शत बार बलिहार वंदे मातरम। वाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, शत शत बार बलिहार वंदे मातरम। और क्या है वंदे मातरम? हमारे वीर सैनिक जब सरहद पर होते हैं और दुश्मनों के व्यंग बाण चुभते हैं, सीने पर एक 47 टंगी होती है, तब भारत माता की भूमि उसकी गोद के समान, मां के गोद के समान लगती है। तब क्या है वंदे मातरम? जननी की गोद जैसा सुख देता है अपार, आपस में बांटता दुलार वंदे मातरम। जननी की गोद जैसा सुख देता है अपार, आपस में बांटता दुलार वंदे मातरम। वैरियों की छातियों पे मृत्यु का है शंखनाद, प्रेम अनुराग वाला सार वंदे मातरम। प्रेम अनुराग वाला सार वंदे मातरम। राणा व शिवा की ढाल और तलवार यही, मात भारती पे है निसार वंदे मातरम। राम की है मर्यादा, श्याम की है योग शक्ति, पार्थ का अचूक है प्रमाण वंदे मातरम। पार्थ का अचूक है प्रहार वंदे मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अरे 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 एक बार जोरदार तालियां भैया, पार्थ का अचूक है। लेकिन ये वंदे मातरम अपने आप में असहाय कब होने लगा साहब? किंतु किंतु आज हाल देख रोता है हजार बार, अपनों से हुआ है शिकार वंदे मातरम। बड़ी संवेदनशील पंक्तियां पढ़ रहा हूं भैया, ध्यान चाहता हूं। किंतु आज हाल देख रोता है हजार बार, अपनों से हुआ है शिकार वंदे मातरम। सोने वाली चिड़िया के टूटे हुए पंख देख, बार बार होता बेकरार वंदे मातरम। ये 350 किलो RDX पाकिस्तान की सीमा से हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर गई। हमारे 44 निर्दोष नौजवान अगर हंसते हंसते शहीद होते, लड़कर शहीद होते, तो एक एक जवान 44,000 दुश्मनों को मारने का दम रखता था। हमारे बरनाहल मैनपुरी जनपद में एक बरनाहल कस्बा पड़ता है, एक CRPF का जवान शहीद हुआ साहब। मुझे उसका पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब तिरंगा हटाया गया, पेटी को खोला गया, तो साहब 6 फीट का जवान 150-200 ग्राम मांस के लोथड़े में नजर आया। मैंने 4 पंक्तियां कही, कैसे लिखूं भारती की आरती में शोक गीत, मीत मेरी जीत हार को बिसार दीजिए। कैसे लिखूं भारती की आरती में शोक गीत, मीत मेरी जीत हार को बिसार दीजिए। शत्रुओं की क्रूर दृष्टि की बयार और भ्रष्ट, चाहता है देश क्रूर सा संहार कीजिए। शांत भावना है गांधी नीतिया पुनीत ढोंग, छोड़ वार्ता के सार को प्रहार कीजिए। देश की यही है मांग, छोड़ शांति वाला स्वांग, आता ताइयों को आप गोली मार दीजिए। देश की यही है मांग, धरा हो खून से लथपथ तुम्हारा नाम लेती है। धरा हो, जब एक शहीद जाता है तो क्या होता है साहब? धरा हो खून से लथपथ तुम्हारा नाम लेती है, नजर आंखों के मोती को पलक पर थाम लेती है। नजर आंखों के मोती को पलक पर थाम लेती है। देवता फूल बरसाते फरिश्ता है कोई गुजरा, देवता फूल बरसाते फरिश्ता है कोई गुजरा, अंधेरी रात वीरों से क्षमा का काम लेती है। अंधेरी वाह, अंधेरी रात वीरों से क्षमा का काम लेती है। बहुत सुंदर। एक प्रश्न छोड़ता हूं साहब युवा पीढ़ी के लिए, और उस युवा पीढ़ी के लिए जो आज भटक रही है। हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी, भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी, भारती के सीने पे लकीर खींच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें, कोई ना कुकर्म करे, ये सभी हैं नीत बाक, यूं खींच दोगे क्या? पानी का बबूला यार 4 दिन जिंदगानी, तुम एक दूसरे को दाव बेच दोगे क्या? 4 पैसे पाने हेतु, ये जिंदगी सजाने हेतु, स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी सजाने हेतु, स्वार्थ आड़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? किंतु आज हाल देख रोता है हजार बार, अपनों से हुआ है शिकार वंदे मातरम। सोने वाली चिड़िया के टूटे हुए पंख देख, बार बार होता बेकरार वंदे मातरम। स्वार्थ वाली राजनीति और देख कूटनीति, लाडलों की मौत पे लाचार वंदे मातरम। लाडलों की मौत पे लाचार वंदे मातरम। बांकरों के रक्त में सनी वसुंधरा को देख, हो रहा है आज शर्मसार वंदे मातरम। वाह, हो रहा। 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान, अद्भुत अद्भुत पंक्तियां वहां से उठाता हूं। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ साहब, मैं सही बात कह रहा हूं, इतिहास के पन्नों को खोलता हूं। हो सकता है यहां बैठे किसी ना किसी को मेरी बात खराब लगे, लेकिन सच्चाई आपके बीच में परोस कर जाना चाहता हूं। विदाई की तालियां देना, तालियों का महोत्सव करना। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कोई राष्ट्र का पिता बन गया, कोई राष्ट्र का चाचा बन गया, लेकिन उन्हें क्या मिला साहब? जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर और इस मातृभूमि पर शहीद होकर चले गए, उन्हें क्या मिला साहब? हजारों सैकड़ों नौजवान हमारी माताओं की गोदे सूनी हो गई, बहन के सुहाग उजड़ गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
हंसते हंसते विदा हो गए इस देश से, उन्हें क्या मिला? रामकृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर सुभाष अशफाकुल्ला की हर कुर्बानी बेच गए। रामकृष्ण वाले भारत की तस्वीर पुरानी बेच गए। शेखर सुभाष अशफाकुल्ला की हर कुर्बानी बेच गए। गांधी बाबा कैसे तुमको राष्ट्रपिता संबोधन दूं, राजगुरु सुखदेव भगत की आप जवानी बेच गए। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद चौहान साहब, जिंदाबाद, अद्भुत कर दिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सत्ता के बड़े दलालों को हमने फूलों के हार दिए, जो आजादी का समर लड़े उनको फांसी के उपहार दिए। हम सबने उनको गले लगाया जो राजनीति के दास रहे, पर उनको सब भूल गए जो आजादी में खास रहे। वाह 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 वाह, नाम सुन कांपते थे क्रांतिकारियों का गोरे खोलती, जवानी की रवानी याद आ रही। मंगल भगत सुखदेव और राजगुरु आजादी में दे गए कुर्बानी याद आ रही। माता भारती की मांग रक्त से सजाने वाले आज उन वीरों की कहानी याद आ रही। देश में शिखंडी बने नेताओं को देख देख नेताजी सुभाष की जवानी याद आ रही। वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद, एक बार जोरदार तालियां भाई मनोज चौहान के लिए, अद्भुत काव्य पाठ, अद्भुत काव्य पाठ, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। जिस तरह का तेवर मैंने बताया था, अगर उस तरह का उन्होंने काम कर दिया हो, तो एक बार जोरदार तालियां पुनः उनके सम्मान में हो जाए भाई मनोज चौहान के। हाँ नंबर भैया गोपाल भैया का भी आएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक गीतकार को बुलाना चाहता हूँ। साहब बिहार में एक नेता हुए, गल्ले जी हो सुबह अलविला जी है, सो रहे हैं अभी तो। बिहार में एक नेता हुए, उन्होंने एक सैनिक के परिवार से कह दिया कि हमने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, एक मशीन दे दी, और आपको क्या चाहिए? मैं उन नेता का नाम नहीं लूंगा, काफी सब पुरानी बात है, नहीं तो आप सब समझ जाएंगे कि मैं लालू प्रसाद यादव की बात कर रहा हूं। हाँ नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, मुंह खराब होता है। तो साहब देश के बड़े कवि विनीत चौहान ने कभी लिखा, और क्योंकि काव्य पाठ अभी भाई मनोज चौहान करके गए हैं, वह उन्हीं तेवर के कवि हैं, उसी परंपरा के कवि हैं, उन्होंने लिखा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत हो तो मंत्री भेजे सीमा पर लड़ने अपने बेटों को। हिम्मत हो तो मंत्री भेजें सीमा पर लड़ने अपने बेटों को।